हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 28 जून, और 28 जून को आपका SSC CPU ईसाई का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में 50 जगह जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सितारा देवी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। कथक की बात करते हैं तो कथक की जो उत्पत्ति है ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, तो कथक कली जो कथक है उसका भी जो संबंध है आपका उत्तर प्रदेश से, या कहें तो मुख्यतः उत्तर भारत से है। और इसके अलावा यही नृत्य से आपका सितारा देवी है जो कि संबंधित है। और सितारा देवी को कथक की रानी भी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ कथक भी कहा जाता है। इनको क्वीन ऑफ कथक या कथक की रानी कहते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत के किराने घराने के संस्थापक है, यानी कि किराना घराना का आपसे संस्थापक पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अब्दुल करीम खान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किराना घराना की बात करते हैं तो इसका नाम कुरुक्षेत्र के निकट किराना के अब्दुल करीम खान के जन्म स्थान से लिया गया है। इसके अलावा गायन की किराना शैली में स्वर का उपयोग विस्तार और कान इसके उपयोग के माध्यम से भावनात्मक मनोदशा बनाने के लिए किया जाता है। संस्थापक की बात करेंगे तो अब्दुल करीम खान, और प्रतिपादक की बात करेंगे जो किराना घराने से संबंधित हैं आपके हीरा भाई बड़ोडेकर हैं, बेगम अख्तर जी हैं, भीमसेन जोशी भी आपके किराना घराना से ही संबंधित हैं, और इसके अलावा गंगूबाई हंगल भी हैं, और प्रभा अन्य भी है। ठीक है, इसके अलावा पाटियाला घराना से भी संबंध आपका प्रश्न आया था। तो पाटियाला घराना की बात करते हैं तो पाटियाला घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से है, जिसका नाम पंजाब के पटियाला शहर के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा पटियाला घराना मूल रूप से मियाँ कल्लू के द्वारा स्थापित किया गया। अगर इसका स्थापना पूछा होगा तो इसका राइट आंसर मियाँ कल्लू होगा। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अली बख्श खां और फतेह अली खां जिन्होंने गायन की पटियाला परंपरा को लोकप्रिय बनाया था। तो मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अली बख्श जो खां है वो कौन से घराने से संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर आपका पटियाला घराना था, जो कि आगे आपका क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेगा। बात की अभी हाल ही में जो आपका SSC Phase 12 का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, अगर उनमें पूछे गए 300 प्रश्नों का PDF है जो कि आप लेना चाहते हैं, जो कि आपका विथ एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, जहाँ से ये अधिकतर प्रश्न आपके CPU एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और संभवतः आपके CSL एग्ज़ाम में भी यहीं से प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। तो दो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। साथ में जो एग्ज़ाम में आपके टॉपिक वाइज जो PDF आ रहे हैं वो आपको फ्री दिया जाएगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी CPU का भी आपको PDF कल का दिया जाएगा, और आज अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और आज का PDF यानी कि 2 दिन का PDF CPU का और SSC Phase 12 का PDF है जो कि आपको दिया जाएगा अगर आप संपर्क करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत गायक से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी, और इसको भी याद रखिएगा। और पंडित भीमसेन जोशी का भी जो किराना है, यही ये घराना है, वो भी आपका किराना घराने से ही संबंधित हैं। और साथ में भी एक आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक कौन है। तो हिंदुस्तानी संगीत का अगर आपसे संस्थापक पूछा गया होगा तो तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तानसेन को ही व्यापक रूप से हिंदुस्तानी संगीत का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया उससे पहले ग्वालियर घराना की बात करते हैं। तो इसके संस्थापक आपके नानथन खान हैं, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान हैं, रंगीला घराना के संस्थापक फयाज खान, इसके अलावा जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अल्ला दिया खां, और किराना घराने के संस्थापक अब्दुल वाहिद खां हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1993 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है आपका 1993 में है, जो कि शुरू किया गया था पूरे देश में रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगार गरीब द्वारा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना को परिकल्पित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इस योजना में सभी शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को न्यूनतम योग्यताएं 8वीं कक्षा 5 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रीता महिलाएं ITI उत्तीर्ण और ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिन्होंने 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स है जो कि किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया इन 2023 रिपब्लिक डे, यानी कि जो रिपब्लिक डे हुआ था आपका 2023 में, उसमें आपके चीफ गेस्ट कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर अब्दुल फताह सिसी हो जाएगा, जो कि इजिप्ट के आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 2024 का अगर आपसे पूछा जाता है चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, तो इसका राइट आंसर आपका इमनोल मैक्रोन हो जाएगा, जो कि आपका फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईसा मसीह का जन्मदिन है जो कि कब मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्मदिवस के दिन क्या कौन सा पर्व मनाया जाता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिसमस हो जाएगा। ठीक है, ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्रिसमस कहिए या बड़ा दिन कहिए, ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। इस दिन लगभग पूरी विश्व में आपका अवकाश रहता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था गुड फ्राइडे से संबंधित। ठीक है, तो गुड फ्राइडे की बात करते हैं, तो ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था, ठीक है, तो उसी दिन को याद करने के लिए ईसाइयों के द्वारा गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गाने का प्रतिपादन बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जर्नैल खान ने किया था। तो अली बख्श वाला आया था, तो इसका राइट आंसर आपका पटियाला घराना ही होगा। पटियाला घराना के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जिसका नाम पंजाब के पटियाला शहर के ऊपर रखा गया है, स्थापना किया गया था मियाँ कल्लू खान के द्वारा। ठीक है, और पटियाला घराना 4 संगीत घरानों से दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर से प्रेरित और प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर महाराज किस घराने से संबंधित है। तो घराने से आपके यहाँ 3 से 4 प्रश्न जो कि पूछे गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न आपका अक्षर महाराज से भी था कि किस घराने से संबंधित है। तो अक्षर महाराज का जो संबंध है वह आपका लखनऊ घराना से है, तो इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। इसके अलावा पंडित जगन्नाथ महाराज अक्षर महाराज, जो कि अक्षर महाराज के नाम से लोकप्रिय हुए, वो लखनऊ घराना से संबंधित है। और वो महान कर्तक जो नर्तक है पंडित बिरजू महाराज के, ये क्या है, तो पिता है। इसको भी आप याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानते होंगे, ये भी इनका संबंध लखनऊ के विंध्यदिन घराने से है और कथक नृत्य से इनका संबंध है। और साथ में 1986 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। देश में कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान कुल उत्पादन का 42.22% उत्पादन है, जो कि करता है। इसके अलावा भारत में ज्वार के बाद बाजरा वर्ग में बाजरा एक आवश्यक खाद्य फसल है, जिसकी खेती जून और अक्टूबर के बीच गर्म और शुष्क जलवायु में की जाती है। इसके साथ बात करेंगे तो बाजरा एक आपका खरीफ फसल है। बाजरा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 164 है जो किससे संबंधित है। हालांकि अनुच्छेद 164 के सब क्लोज से पूछा गया था, मे भी आपका 164 की सब क्लोज 2 से पूछा गया हो। ठीक है, तो सबको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 164 की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाला ढांचा तैयार करता है। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं की संरचना, प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ और कर्तव्य स्थापित करता है, तथा मौलिक अधिकार, निर्देशात्मक सिद्धांत और नागरिकों की जिम्मेदारी निर्धारित करता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 164 है वह आपका अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(3) और अनुच्छेद 164(4) है। ठीक है, अनुच्छेद 164(1) की बात करेंगे तो ये राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 164(2) आपका राज्य की विधानसभा मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होगी, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 164(3) आपका राज्यपाल मंत्री की प्रतिबद्धताओं में सहायता करता है, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 164 सब क्लोज 4 आपका कोई भी मंत्री जो विधानसभा का सदस्य नहीं है 6 माह के बाद मंत्री नहीं रहा जाएगा, इससे संबंधित है। तो सब क्लोज 2 पूछा गया होगा, तो राज्य की विधानसभा मंत्रिपरिषद के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। जिस प्रकार जो आपका लोकसभा होता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है अनुच्छेद 75 के तहत, उसी प्रकार अनुच्छेद 164 सब क्लोज 2 के तहत जो मंत्रिपरिषद राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 34 होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि 34 होता है, तो 33 आपका न्यायाधीश होता है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, टोटल मिला के 134 होता है। और अनुच्छेद 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है,
इस संगठनात्मक ढांचे का प्रावधान भी करता है। इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में किया गया था, यानी कि फेडरल कोर्ट के रूप में किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपके सिलेक्शन फेज 12 में बना था कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो आपका 1937 में किया गया था। इसके अलावा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो एच जे कानिया आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा सर मैरिस गवार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन से पूर्व भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में आपके डी वाई चंद्रचूड़ हैं जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्ण देवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था और वो इस समय किस राज्य में स्थित है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि कृष्ण दे राय के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था। तो हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया गया था जो कि इस समय आपका कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। और हम्पी की बात करते हैं तो विजयनगर समाज की राजधानी हुआ करती थी, आज भी इस महाच साम्राज्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी, हजारा रामा स्वामी एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना था, शायद कृष्ण स्वामी मंदिर हो या हजारा स्वामी मंदिर हो या विट्ठल स्वामी मंदिर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया मार्लियामेंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम का पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1909 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 को ही हम लोग मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अधिनियम का जो नाम है वो भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और उस समय जो भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। और इस अधिनियम के दौरान, इस अधिनियम के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र पेश किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड जो मिंटो है उसको सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी याद रखना है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो मॉन्टेग्यू था वो भारत के सचिव पद पर था और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वो भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का अनुच्छेद 21-1 का अधिकार देता है, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आपका आया था कि अनुच्छेद 21 है जो कि 21 से जो किससे संबंधित है, तो यह जीवन जीने का अधिकार है जो कि देता है अनुच्छेद 21। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। साथ में जीवन का यह अधिकार केवल जानवरों के अस्तित्व या जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और जीवन के वह सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हर्षचरित पुस्तक की बात करते हैं तो हर्षचरित जो पुस्तक है वानवट के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका वानवट होगा। ये जो हर्षचरित जो पुस्तक है ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी है इसमें, और वानवट है जो कि आपका राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था, उसी के द्वारा ये पुस्तक है जो कि लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपके आपसे इसका लैंग्वेज पूछेगा तो इसका राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। और जो वानवट है विश्व सबसे पुराना जो उपन्यास है कादंबरी उसके भी लेखक है। ठीक है, तो कादंबरी भी लेखक आपके वान भट्ट ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 169 यानी कि 169 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 169 जो आपका अनुच्छेद है वो राज्य विधान परिषद के उन्मूलन और सृजन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा, राज्य की विधायिका जो होती है विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है भारत की विधायिका। ठीक है, जैसा कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार राज्यों में भी आपका राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है, जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं। अभी वर्तमान में विधान परिषद की संख्या पूरे भारत में 6 है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश से बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है। वहीं पर अनुच्छेद 168 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 168 राज्यों में विधान मंडलों का गठन करता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदन से बना होगा। 2 सदन करने का मतलब है विधानसभा विधान परिषद से बना होगा। और अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो ये आपका विधानसभाओं के संरचना से संबंधित है। और अनुच्छेद 333 के नियम के अनुसार प्रत्येक राज्य की जो विधायी शक्ति में 500 से अधिक और 60 से कम व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो शहर के भीतर भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मल्लिका साराभाई डैश के लिए जाने जाने वाली सबसे प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, तो मल्लिका साराभाई की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया गया था जो कि राइट आंसर है। कुचिपुड़ी के साथ साथ ये इनका संबंध भरतनाट्यम
शास्त्र नृत्य भी है, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई एक कुशल कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्यांगना और कलाकार हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के लिए कला का उपयोग करने में विशेषज्ञता हासिल की है, ठीक है। इसके अलावा जो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसके भी संस्थापक हैं मृणालिनी साराभाई, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना कब पारित किया गया था, तो मनरेगा योजना की बात करेंगे तो ये 2005 में पारित किया गया था। हाँ, जब पारित किया गया था उस समय इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा में ही महात्मा गांधी जी का नाम जोड़कर इस योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया था, जो कि आपका रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसके तहत इसका जो उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा कितना मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका राइट आंसर आपका 87.58 होगा। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करके ओलंपिक में स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। और इसके अलावा चेक गणराज्य के जैकब वर्ल्डलेस ने रजत और चेक गणराज्य के ही विटेस्लाव वेस्ली ने कांस्य पदक जीतकर पोडियम स्थान हासिल किया था। इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा है अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक चैंपियन बनने वाले केवल दूसरे व्यक्तिगत भारतीय एथलीट हैं। इसके अलावा भारत की बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो 2020 में टोटल 7 पदक अपने नाम किया था जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत था और आपका 4 कांस्य पदक था, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा पुरुष की कुश्ती 57 kg वर्ग में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है और मीराबाई चानू ने महिला कुश्ती में 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता। इसके अलावा पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन जो थी महिला वेल्टर वेट बॉक्सिंग वर्ग में कांस्य पदक है जो कि जीती हैं। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता था और बजरंग पुनिया ने भी पुरुष की कुश्ती 65 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका आया था कि 2020 में बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें किसने कांस्य पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर बजरंग पुनिया था, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदी का नाम आपसे पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका सहयोग नदी था जो कि ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु नदी की बात करते हैं तो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसके अलावा सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, लेकिन आपके ऑप्शन में सहयोग दिया गया था जो भी आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। इसके अलावा सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत में तिब्बत से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई आपका 3,180 किलोमीटर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। ये जो आपका सिंधु नदी है ये दोस्तों आपका आकर यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर जो आप सहयोग नदी देख रहे हैं ये भी आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा आपका सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है। ये सभी नदियाँ भी आपका सिंधु नदी का ही सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो 2032 का जो ओलंपिक होना है ग्रीष्मकालीन जो कि 35वां होगा वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा है जो कि मेज़बानी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है ब्रिस्बेन, वहीं पर ये ओलंपिक होना है। इससे पहले 2028 में ओलंपिक होगा 2032 से पहले, क्योंकि हर 4 साल के बाद आपका ओलंपिक होता है। तो 2028 में जो ओलंपिक होगा वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। 2028 से पहले भी आपका ओलंपिक होना है 2024 में जो कि इसी वर्ष होना है जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अलावा आपका एक शीतकालीन ओलंपिक भी होता है जो कि अगली बार 2026 में इटली में मिलान काटिना शहर में आयोजित किया जाना है। इसके पहले जो आपका शीतकालीन ओलंपिक हुआ 2022 में जो कि आपका चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका बना था। बाकी अभी तक इतना ही प्रश्न है जो कि मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम लोग PDF में देंगे। और एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे कि पुस्तक है ग्राइमस, ग्राइमस तो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो जो ग्राइमस तो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी, तो इसको भी सही कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था तो सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम पे दिया गया है तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।